और
दूसरी मतलब समंदर के लिए परिवर्तन होना, उन सब के लिए निदान करना, फरिश्तों का पूरा करना है, जमीन और आसमान के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है, दरख्तों के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है, उनकी जिंदगी के लिए, उनके मकान के लिए, उनको बनाना चाहने के लिए, उन सारी चीजों की इस्लाह करना, सारी चीजों को मुहैया करना, ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के रब होने की वजह से रब के लिए सारी चीजें आ जाती है। और अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन कि अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह को मखलूक है, उसमें से किसी को हम मखलूक का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे इंसान अल्लाह की मखलूक है, इसके अलावा कितनी मखलूक है वो सब अल्लाह की मेहनत की हुई है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, उनको पालने वाले भी अल्लाह। इसी तरह से आलमीन का लफ्ज अल्लाह ताला ने उस तकदीर को भी तोड़ दिया। इस्लाम से पहले खुदा का तसव्वुर लोगों ने बहुत महदूद कर दिया। अल्लाह को हर मुल्क का खुदा था, हर कौम का खुदा था, ये तसव्वुर नहीं था। अल्लाह ने कहा कि खुदा की महदूद जात नहीं है, एक मुल्क का खुदा अलग हो, एक इलाके का अल्लाह अलग हो, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा जितने भी आलम हैं उन सब का अल्लाह एक ही, अल्लाह वो है जो सारे आलमों की तरह उसको है। ये महदूद महदूद खुदा का जो तसव्वुर था उसको अल्लाह ने खत्म कर दिया। कहा जितनी भी अल्लाह के अलावा है उन सब का मालिक भी अल्लाह है, रब्बी भी अल्लाह है, उन सबको संभालने वाला पालने वाला अल्लाह है। वो जाहिलियत का महदूद तसव्वुर था, इस तसव्वुर ने अल्लाह के सिलसिले में लोगों की जहनीत को बिगाड़ दिया था और अल्लाह की ताकत को महदूद करने की कोशिश की थी, अल्लाह के बारे में गलत फहमियां फैलाने के लिए उससे शक मिलती थी और गैरुल्लाह की इबादत का दरवाजा उसके पीछे जाता था। अल्लाह ताला ने उस पर रोक लगा दी, कहा सारे आलमों का परवरदिगार मुरब्बी उसने मालिक खालिक सब एक ही अल्लाह है, जो इंसान को भी समझता है उसको माने ना माने, उसका इनकार करे, उसकी बगावत करे, उन सब के लिए अल्लाह ताला जरूरियात को चीजें मुहैया करते हैं। दुनिया में सबके लिए खाने पीने का पानी का हवा का हर हर जरूरत का इंतजाम करते हैं, ये उसकी रहमत का तकाजा है, परवरिश करता है रहमत की वजह से। तो इसलिए उस रहमान के हवाले से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा दुआ है, तो बार बार अल्लाह की रहमत की सिफात का हवाला देने के लिए अल्लाह ने कहा जितना हम अल्लाह की रहमत की सिफत पर गौर करेंगे उतना हमारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत उतनी और उतनी जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक भी मजबूत हो जाएगा, अल्लाह से मांगने का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। और जितनी हम रहमत की सिफात का हवाला देंगे अल्लाह की रहमत को जोश भी आएगा और उसकी वजह से दुआएं कबूल भी होगी। इसलिए रहमत की सिफात को कुरान ने बार बार बयान किया दोहराया है ताकि हमारे पेश नजर हमारी पीस अल्लाह की सिफत रहे और हम इस सिफत के हवाले से दुआएं भी करते रहें, पूर्व उम्मीद भी रहें और अल्लाह से अपने तल्लुक को जोड़े भी रखें। अल्लाह तआला इस सिफात के लिए इसमें